So hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys watching the Tech Traveler Blend. दोस्तों आज यहाँ पे हम review मतलब एक comparison करने जा रहे हैं इन दोनों laptop में. ये है Acer Nitro 5 एंड ये जो है Asus TUF Gaming. तो दोस्तों यहाँ पे दोनों लैपटॉप के अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों भी लैपटॉप में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, अच्छे मटेरियल के साथ दोनों भी लैपटॉप मिलते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे Asus TUF के बारे में बात करें तो ये लैपटॉप जैसे इसका नाम है Asus TUF, उसी की तरह से बहुत ज़्यादा टफ लगता है और अच्छी खासी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मिलती है. Acer Nitro 5 में भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन कुछ जगह पे जैसे कि अपर पैनल आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कम फ्लेंज नज़र आता है Asus TUF में, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है. तो एक दिक्कत है थोड़ी सी, और उसके साथ आप जैसे यहाँ पे पैनल उठाते हो तो Asus TUF अच्छी तरीके से खुल नहीं पाता, लेकिन जो Acer Nitro 5 है वो अच्छी तरीके से ओपन होता है. तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है. अगर हम इसके बैक पैनल के बारे में बात करें जो कि एक कोल्ड एयर सक्शन का सेक्शन होता है, तो एक देख सकते हो यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा सेक्शन. लेकिन वैसे अगर आप Acer Nitro 5 के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा सेक्शन मिलता है जहाँ से कोल्ड एयर जो है सक की जाती है, एंड उसके साथ यहाँ से एग्जॉस्ट की जाती है हॉट एयर. तो यहाँ पे जो लैपटॉप कूल रहने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है. तो दोस्तों जल्दी से यहाँ पे स्पेक्स देख लेते हैं कि दोनों लैपटॉप में क्या क्या स्पेक्स है. तो ये i5 9 जनरेशन के साथ आता है, ये Ryzen 5 के साथ आता है जो कि प्रोसेसर यूज़ किया है 3550Hz का. एंड उसके साथ अगर हम SSD के बारे में बात करें तो यहाँ पे 256GB मतलब 1TB प्लस 256GB SSD यहाँ पे यूज़ की गई है, एंड इधर आपको सिर्फ 512GB का सपोर्ट मिलता है. तो ये बात ध्यान में रखिए. जो ग्राफिक्स कार्ड है दोनों में भी सेम है, GTX NVIDIA GeForce GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड जो दिया गया है जो कि 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है. एंड मेमोरी अगर आप बोलना चाहें यहाँ पे रैम जो है 8GB की रैम दी गई है और वो आप 32GB तक एक्सपांड कर सकते हो. तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्क्रीन के बारे में बात करें तो दोनों लैपटॉप में आपको फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, लेकिन डिस्प्ले में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. ये जो लैपटॉप है ये Acer Nitro 5, इसमें आपको 15.6 इंच की स्क्रीन मिलती है एंड इसमें 17.3 इंच की मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हो जाता है. आप यहाँ पे देख के कंपेयर कर सकते हो कि किसमें आपको बहुत बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है, और जब आप कोई अदर वर्क करते हो या फिर गेमिंग खेलते हो तो आपको डेफिनेटली वो डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो दोनों में भी आपको 250 नीट्स का ब्राइटनेस यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन Asus TUF में थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस मुझे ज़्यादा लगा. तो दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रीन ब्लीडिंग टेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हो Acer Nitro 5 में बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन ब्लीडिंग आपको दिखाई देती है. जो एजेस है वहाँ पे थोड़े थोड़े यहाँ पे स्क्रीन ब्लीडिंग दिखाई देते हैं, लेकिन Asus TUF में ऐसी कोई इतनी दिक्कत नहीं दिखाई देती. स्क्रीन ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा कम है और अच्छी तरीके से जो है स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देती है वहाँ पे. तो दोस्तों जल्दी से यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कौन सा लैपटॉप यहाँ पे परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा अच्छा कर पाता है. तो ये अभी हम GTA 5 एंड PR Pro रन करके देखते हैं कौन सा लैपटॉप बहुत ही अच्छा करता है. तो दोस्तों यहाँ पे दोनों भी लैपटॉप के ऊपर हमने PR Pro खोला है और एक 2GB की फाइल है जो कि Canon M50 से शूट की है 4K में, एंड दोनों भी 2GB के फाइल्स है. तो अभी हम दोनों भी फाइल्स रेंडर करने जा रहे हैं और उसके साथ देखेंगे कौन सा लैपटॉप फास्ट रेंडर करता है. तो दोस्तों यहाँ पे हम GTA 5 खेल रहे हैं Acer Nitro 5 के ऊपर, और अभी आप यहाँ पे FPS नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे 60-50 या फिर 70 तक FPS जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा माना जाता है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में तो टेम्परेचर जो अभी चल रहा है वो 72 डिग्री सेल्सियस है, अप टू 73-75 के आसपास ये चला जाता है. एंड वैसे ही यहाँ पे उसके साथ जो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहे हैं. तो दोस्तों यहाँ पे हम GTA 5 खेल रहे हैं और जो सेटिंग है ग्राफिक्स की मैंने लगाई वो प्रेफरेबल है, ज़्यादा हाई भी नहीं थोड़ी सी कम है बट बहुत ही ज़्यादा इनफ है. उसके साथ यहाँ पे देख सकते हो अभी 30 FPS कंटिन्यूस दे रहा है, ये
अबाउ 50 FPS नहीं चला जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस आपको 30 FPS दिखाई दे रहा होगा, 30-31 FPS मैक्सिमम देता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। एंड टेम्परेचर के बारे में अगर बात करोगे तो टेम्परेचर भी इसका कम है, लगभग 66 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चला जा रहा है। और फैंस के बारे में बात करें तो दोस्तों दोनों भी लैपटॉप में आप फैन की स्पीड कस्टमाइज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि बूस्ट मोड, परफॉर्मेंस मोड या फिर साइलेंट मोड होता है। लेकिन एसुस टफ में थोड़ी सी दिक्कत है कि साइलेंट मोड में भी जो फैन है वो नॉइस करता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में बात करना चाहे तो दोनों में भी बहुत ही अच्छे कीबोर्ड मिलते हैं, लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें आपको RGB कीबोर्ड मिलता है। आप कैसे भी चाहे आपके अनुसार यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हो और उसको कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे Acer Nitro 5 में आपको वो नहीं मिलता, तो ये बात भी ध्यान में रखें। एंड जो ट्रैवल टाइम है दोनों में भी बहुत ही अच्छा है, 1.6 मिलीसेकंड का कुछ रिस्पांस टाइम भी है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे चीज़ दी गई है। एंड ट्रैक पैड के बारे में बात करें तो ट्रैक पैड यहाँ पे Acer Nitro 5 का बहुत ही बढ़िया है, Asus Tough का भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लूज एंड देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा लूज लगते हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी आपको वहाँ पे फीलिंग नहीं आ पाती। लेकिन Acer Nitro 5 का जो ट्रैक पैड है वो बहुत ही अच्छा है, स्टर्डी है, एंड इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों जल्दी से यहाँ पे कंक्लूजन कर लेते हैं कि कौन सा लैपटॉप यहाँ पे अच्छा है। तो अगर हम प्राइस रेंज के बारे में देखें तो ये लैपटॉप आपको लगभग 55,000 के अराउंड आता है, एंड ये लैपटॉप आपको 65 से लेके 70,000 तक जाता है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आपका बजट 55 से ऊपर नहीं जा पाता तो आप ये लैपटॉप ले सकते हो। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बाकी थोड़ी बहुत गेम खेलना चाहते हो तो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे गेम्स रन होते हैं। लेकिन अगर आप 60 से लेकर 70,000 तक बजट जो है लैपटॉप का वो बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे Acer Nitro 5 के साथ जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, बेंचमार्किंग स्कोर भी बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, एंड गेम जो है सभी गेम्स बहुत ही अच्छी तरीके से एंड स्मूथली यहाँ पे रन होते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन दोनों लैपटॉप में आपको Ryzen 5 4600Hz का वेरियंट अगर मिला, जो कि लेटेस्ट वेरियंट है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वो प्रोसेसर है, एंड उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जो गेम्स है, जो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ही फाइनली रन होते हैं वहाँ पे। अगर Acer Nitro 5 आपको वहाँ पे मिला जो कि लेटेस्ट वर्जन है 2020 का, आप वो ले सकते हो, बहुत ही अच्छी डील आपके लिए ये हो सकती है। एंड कोल्हापुर कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, प्लीज़ अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या फिर गैजेट है तो आप हमें भेज सकते हो, आप हमारे इस चैनल को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा आपका। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है इंस्टाग्राम की एंड मेल की, तो आप प्लीज़ हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और प्लीज़ आपका सपोर्ट दिखाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।